आज की वीडियो में हम बनाएंगे चमचम। ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। ये 8 से 10 मिनट में हमारी रेडी हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसको हम आज बिना फ्राई करे ही बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है आधा कप मलाई। ये मैंने फ्रेश मलाई लिया है, इसके लिए आप रखा हुआ मलाई बिल्कुल भी ना लें और स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं तो ये 10 रुपीज़ वाला मिल्क पाउडर का पैकेट, मैंने इसमें पूरा पैकेट ये डाल दिया है। तो ये मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमारा ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आपका ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रहता है तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर आप इसमें और ऐड कर लें, इसको थोड़ा थिक ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने ये 1/4 कप काजू और बादाम लिया है और ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पिस्ता लिया है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के इनको मिक्स कर लेना है। ये हम इस चमचम की फिलिंग रेडी कर रहे हैं। इसमें हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मिल्क पाउडर में भी अपना एक स्वीटनेस होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाएं इसमें। और ये हमारा रेडी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, थोड़ा सेट हो जाएगा ये। अब एक कढ़ाई लेना है, गैस ऑन कर देना है। इसमें मैंने 1 कप शुगर लिया है और इसमें आधा कप पानी डाल लिया है। इसको लगातार चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेना है। इसको बहुत गाढ़ा चाशनी तैयार नहीं करनी, थोड़ा लिक्विड ही रखना है इसको। शुगर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे। मैंने इसमें लिक्विड फूड कलर ऐड किया है, तो मैंने इसको 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड किया है। अगर आप जेल कलर यूज़ करते हैं तो उसमें 1 ड्रॉप ही डालिएगा, उससे भी इसका काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। अब हम अपने चाशनी को चेक करते हैं। ये बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए, चिकनापन इसमें आ जाए। कोई एक तार या दो तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस हल्का सा चिकनापन आ जाए। ये हमारी रेडी हो चुकी है, गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमें चाहिए कुछ ब्रेड के स्लाइस और एक ग्लास। ग्लास से इसको सेंटर से एक सर्कल शेप में इसको हम काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को इस काट के तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें वाइट ब्रेड लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा बच गया है तो इसको फेंकना नहीं है, इसका ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे, ये आगे रेसिपी में यूज़ हो जाएगा। अब हमारी फिलिंग भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, फ्रिज में रखने से ये और थोड़ा जम गई है, अच्छे से रेडी है। अब हम इसका एक ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इस फिलिंग को इस पर अच्छे से लगाएंगे। इसको पूरी ब्रेड पे अच्छे से फैलाना है, साइड में भी अच्छे से कवर करके इसका हम दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रखकर हल्का सा हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी भी तैयार करेंगे, उस पर फिलिंग लगाएंगे, चारों तरफ फैला के दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे हाथ से थोड़ा प्रेस करके, तो ये हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को हम रेडी कर लेंगे। ये मैंने इस पे आधे पे फिलिंग लगाई है और इसको फोल्ड करके और हाथ से थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर दिया है। ये मैंने दूसरी तरफ की चमचम बनाई है एक स्लाइस से, इसी तरीके से मैं दूसरी बनाऊंगी। इस पे भी फिलिंग आधी ब्रेड पर ही लगाना है और जिस पर आधी पर मैंने फिलिंग नहीं लगाई है उसको ऊपर फोल्ड कर देना है, हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेना है इसको। और ब्रेड को बहुत आराम से फोल्ड करना है वरना ब्रेड हमारा टूट जाएगा। और ये इसको इस पे अच्छे से चिपक जाती है, ये सेट हो जाती है, हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और ये हमारी सारी रेडी है। अब मेरी चाशनी भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, उसमें इन ब्रेड को डिप करना है। इसको बहुत देर तक डिप नहीं करना है, बस हल्का सा इसको डिप करके निकाल लेना है, छोड़ना नहीं है वरना हमारी इसमें घुल जाएगा पूरा, ज़्यादा चाशनी उसके अंदर चली जाएगी। इसी तरीके से सारी ब्रेड को हम इसमें सोक कर लेंगे, बस ये गीला हो जाए इतना ही चाशनी हमें इसमें काफ़ी है। ये बहुत अच्छे से फिलिंग भी बहुत अच्छे से दिख रही है इसमें, वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से हाफ वाली चमचम को भी हम इसमें करेंगे, इसको भी हम सारी चमचम को चाशनी में करके रख लेंगे। अब ये मैंने चॉप किया हुआ पिस्ता है, इसके ऊपर हम पिस्ता लगाएंगे, जो इसकी फिलिंग थी उसको हम पिस्ता से कवर कर देंगे। राउंड वाली पे भी हम सेंटर में थोड़ा सा पिस्ता लगाएंगे और इस पर मैंने थोड़ी सी चेरी कट कर ली है, तो थोड़ी सी हम चेरी लगाएंगे इस पर भी, रेड इस कलर और भी अच्छा लग जाता है। सारी चमचम पर हम थोड़ी थोड़ी चेरी लगा देंगे। और ये है मेरे पास केक पर लगाने वाली सिल्वर फ्लेक्स, इसको भी हम थोड़ा सा इससे लगा देंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ गया।
इसी तरीके से हम सारी चमचम पर सिल्वर फ्लेक्स लगा देंगे। ये मैंने हाफ वाली पे लगा दी, अभी इस राउंड वाली पे भी मैं थोड़ी थोड़ी सिल्वर फ्लेक्स लगा देती हूँ। मिठाइयों पर सिल्वर फ्लेक्स लगाने से उसका लुक और भी अच्छा आता है और भी अच्छी दिखती है। और ये है हमारी चमचम रेडी। इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। चमचम थोड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है और ये 8 से 10 मिनट में हमारी रेडी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।